आज हम यूनिट 4 में टेक्स्ट बुक में पार्ट 2 है एलिस इन वंडरलैंड, वो आज हम ये लेसन सीखेंगे। बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 66। पेज नंबर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक बच्ची का नाम है और वंडरलैंड मीन्स अद्भुत जगह, जो जगह हमने कभी पहले देखी नहीं है और हम फर्स्ट बार जाते हैं तो हमें उस जगह अद्भुत लगती है, तो उसी के अर्थ में यहाँ एलिस इन वंडरलैंड लेसन है। तो आज हम ये लेसन सीखेंगे। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस जो थी वो लाइंग अंडर अ ट्री यानी कि ट्री के नीचे लेटी हुई यानी कि बैठी हुई थी एंड लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। और जो एलिस की बहन थी उसकी सिस्टर थी वो स्टोरी रीड कर रही थी और जो एलिस थी वो सुन रही थी। सडनली शी सो अ व्हाइट रैबिट स्क्रैम बाय स्कैम्पर बाय। स्कैम्पर मीन्स जल्दबाजी में मीन्स हरी। स्कैम्पर मीन्स रन यानी कि दौड़ना मीन्स हरी। अचानक सडनली मीन्स अचानक शी सो शी मीन्स एलिस एलिस ने देखा व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय जो सफेद कलर का जो रैबिट था वो दौड़ता हुआ गया यानी कि जल्दबाजी में भागने लगा। ही हैड पिंक आईज। और बच्चों यहाँ ही मीन्स जो रैबिट है उसको ही कहा गया है। ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। जो रैबिट है उसकी आंख कैसी बच्चों पिंक आईज मीन्स जो पिंक कलर की गुलाबी आईज है एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट एंड ब्लू कोट पहना हुआ है। ही टूक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। और वेस्ट कोट बच्चों तो वेस्ट कोट किसको कहा जाता है तो कमर के भाग के ऊपर जैसा जो कोट आता है जो हम पहनते हैं उसको वेस्ट कोट कहा जाता है, तो इस रैबिट ने पहना हुआ है। He took out a big watch from his waistcoat pocket as he hurried away. He said, "Oh dear, I will be too late." यानी कि उसने कौन जो रैबिट था वो अपने वेस्टकोट जो कोट था उस पॉकेट में एक घड़ी थी जो हम देख सकते हैं पिक्चर में वो निकाली और हरीड अवे मीन्स जोर से दौड़ने लगा मीन्स रन फास्ट करने लगा और कहने लगा ओ डियर आई विल बी टू लेट यानी कि मैं बहुत लेट हूँ। शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। शी मीन्स एलिस 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 सोचने लगी कि समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट यानी कि कहीं ये जो रैबिट है वो सबसे अलग है यानी कि कुछ तो है। इट वुड टॉक इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच यानी कि सब जो रैबिट होते किसी के पास कोट नहीं होता किसी के पास घड़ी नहीं होती किसी के पास कुछ नहीं होता लेकिन इस रैबिट में कुछ तो है। उसके पास रेड यानी कि लाल कलर का वेस्ट कोट वो पहना हुआ है और कैरीड अ वॉच यानी कि उसके पास घड़ी भी है। वो सोचने लगी कौन बच्चों जो एलिस थी वो सोचने लगी। एलिस वंडर वंडर मीन सोचना। एलिस सोचने लगी अ टॉकिंग रैबिट क्या ये रैबिट बात कर रहा है। एलिस वंडर वंडर मीन सोचना। तो जो एलिस थी वो सोचने लगी अ टॉकिंग रैबिट क्या ये रैबिट बात कर रहा है। अ रैबिट वो वियर्स अ वेस्टकोट ये जो रैबिट है वो जो
कोट वियर यानी कि पहन गई। एलिस वॉज बर्निंग विद कर्सली यानी कि अब कर्सली विद उत्सुकता, किसी बात जानने की उत्सुकता। यानी कि ये जो एलिस थी अब उसको जानने की बहुत उत्सुकता हुई कि श्योर कुछ तो है। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और जो एलिस थी वो जब पहले जो ट्री के नीचे लेटी हुई थी और वो रैबिट को देख गई, वो अब फॉलो मींस पीछा करना, तो वो जो एलिस थी वो रैबिट के पीछे पीछे भागने लगी यानी कि जाने लगी, मीस पीछा करने लगी। टर्न द पेज बच्चों 67। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। जो रैबिट था उसको पता नहीं था कि एलिस जो बच्ची वो मेरे पीछे आती है, तो जो रैबिट था वो स्टार्टेड मीस चलना शुरू किया यानी भागना शुरू किया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और जो एलिस थी वो रैबिट का पीछा कर रही थी। क्यों बच्चों? कि ये जो रैबिट क्यों सबसे अलग है वो उसको जानना था। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। पॉप डाउन मींस जल्दी से नीचे गिर जाना। जो द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, रैबिट का जो होल था यानी कि रैबिट जिसमें रहते उसका छोटा सा घर जैसा होगा, तो उसमें वो सडन मिस अचानक चला गया। एलिस जंप इन टू द रैबिट होल टू। जो एलिस थी जो बच्ची वो भी उसमें गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन द रैबिट होल। जो रैबिट था उसको तो पता था क्योंकि वो उसका घर था यानी कि उसके जैसा घर था, तो वो तो नीचे गया नीचे गया नीचे गया। लेकिन जो एलिस थी उसको तो कुछ पता नहीं था, फिर भी वो उसके पीछे गई और वो भी नीचे गई नीचे गई नीचे गई। एलिस सेड अलाउड, अलाउड मींस लाउडली, सॉरी लाउडली, लाउडली जोर से। वो जो एलिस थी वो जोर से बोली, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन। अब उसको पता चला कि मैं कितनी नीचे आ गई हूँ, तो वो ये कहती है कि मैं कितने माइल नीचे आ गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। मुझे श्योर यानी कि मुझे कंप्लीटली ऐसा लगता है कि जो अर्थ होता है उसके सेंटर की नजीक ही हूँ मैं। शी वंडर, वो सोचने लगी, विल आई स्लीप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड। स्लीप मीन्स स्लाइड डाउन मीन्स नीचे गिरना, जैसे कि जो रैबिट का होल था उसमें पहले रैबिट गिरा उसके बाद वो एलिस गिरी, तो वो ये सोचती है कि क्या मैं अर्थ की जो अदर साइड में दूसरी साइड है उसमें मैं स्लिप हो गई हूँ मीन्स अंदर गई हूँ मीन्स स्लाइड डाउन हो गई हूँ। थम ऐसे वो आवाज करती है। द लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, लैंडेड मीन्स उतर जाना, और ड्राई लीव्स जो सूखे पत्ते थे उसमें वो उतर गई थी। She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. अब वो फिर से चारों तरफ देखने लगी और अचानक वो जो white rabbit था उसको फिर से देखा। It disappeared saying, यानी कि disappeared saying means went away not to be seen. वो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा वो देखने लगी। Oh, my ears and whiskers. वो ये जो वर्ड्स कौन बोलता है बच्चों?
रैबिट बोलता है मेरे कान, ओ माय ईयर्स एंड विकर, ओ मेरे कान, विस्कर मीन जो जो भी एनिमल्स होते हैं उसके माउथ पे जो बड़े बड़े हेयर होते हैं उसको मूछ कहते हैं। तो ये जो जो रैबिट था वो ये कहने लगा कि ओ माय ईयर्स, कि यानी कि ओ मेरे ईयर्स एंड मेरी मूछे, हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये हाउ लेट इट्स गेटिंग, यानी कि मैं अब कैसे देखूंगा यानी कि लूंगा। एलिस टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, यानी कि एलिस टूड अप, अब एलिस थी वो खड़ी हुई, एंड सो अ स्मॉल डोर, और छोटा सा डोर देखा, अबाउट 15 इंचेस हाई, कितना था बच्चों 15 फीट ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, वो इतना छोटा था कि उसमें वो एलिस जा नहीं सकती थी। शी सो अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, और उसने जो टेबल था, जो कांच का टेबल था, उस पर सोने की, गोल्डन में सोने की देखी। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 68, वो एक की देखी। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. वो बहुत कोशिश, ट्राइड भी बहुत कोशिश करना, the little golden key in the lock, जो golden key थी और lock था उसमें की डालकर वो बहुत कोशिश की, और delight it fitted, delight means joyful यानी कि happiness, fitted means वो जो गोल्डन की थी वो इसमें फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर एंड लुक इनटू लवलीस्ट गार्डन, एलिस जब डोर ओपन किया तो उसने लवलीस्ट विद मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन देखा। शी हैड एवर सीन, वो आसपास देखने लगी, हाउ शी लॉन्ग टू बी अमोंग दोज बेड ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, यानी कि लॉन्ग टू बी, यानी कि विश, यहाँ तो सब कुछ है, दोज बेड्स ऑफ ब्राइट मीन्स लाइवली एंड कलरफुल पेड़ से, कैसे बच्चों फ्लावर्स के पेड़ है और कूल फाउंटेन, और फाउंटेन भी है। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हॉट हेड थ्रो द डोर वे, वो बहुत अच्छा था जो अंदर का जो गार्डन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो एलिस थी वो अंदर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती थी, क्योंकि बच्चों वो जो डोर था वो छोटा था, और उसका जो एलिस थी, एलिस का हेड भी अंदर जा नहीं सकता था, इतना छोटा था। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, अब उसको बहुत गिल्टी, यानी कि वो ये सोचने लगी कि यदि मैं छोटी होती। She exclaimed loudly, वो जोर से बोलने लगी कि यदि मैं छोटी होती तो मैं भी अंदर जा सकती एंड मैं एंजॉय कर सकती। तो बच्चों इस जो लेसन में एक छोटी सी बच्ची की बात की गई है, और ये जो छोटी सी बच्ची है वो एक जो छोटा सा रैबिट है वो वाइट कलर का है, और उसकी आई से वो पिंक है, और वो जो नीले रंग का जो कोट पहना हुआ है उसकी बात की गई है। तो बच्चों उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट यानी कि अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।